द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुनमुन रहमान। सोशल मीडिया पर इन दिनों संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का जमकर मजाक बनाया जा रहा है, जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। संबित पात्रा दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं, वहां पर वो अपना एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें किसानों के साथ वो धान रोपते हुए देखे जा सकते हैं। अब इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें नकलची बंदर, कॉपी पेस्ट, इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी इससे पहले जो है वो किसानों के साथ देखे गए थे। राहुल गांधी जो है वो सोनीपत के बरोदा में अचानक किसानों के पास पहुंच गए और उसके बाद वहां पर जो है किसानों से बातचीत करने लगे। राहुल गांधी ने वहां पर धान भी रोपी और उसके बाद ट्रैक्टर भी चलाया और लोगों से बातचीत की। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब जो है वो वायरल हुई। संबित पात्रा भी यहां पर वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पर लोग उन्हें कॉमेंट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले संबित पात्रा का वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से संबित पात्रा जो है वो किसानों के साथ धान की रोपाई कर रहे हैं। हालांकि यही लोग हैं जो किसानों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। तीन कृषि काले कानून लाकर किसानों को इतना परेशान किया, तब इन लोगों में से किसी ने भी किसानों से बात नहीं की, किसानों के घर जाकर खाना नहीं खाया। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं, इन्हें पता लग रहा है कि इनकी हालत जो है वो खराब है, तो इसलिए अब ये जो है किसानों के घर भी, दलितों के घर भी जो है चक्कर लगा रहे हैं। संबित पात्रा का ये जो वीडियो है वो अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं। वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर संबित पात्रा लिखते हैं कि खेत खलिहान और किसानों के साथ धान की रोपाई। तो यहाँ पर संबित पात्रा को धान की रोपाई करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर महिलाओं के साथ संबित पात्रा जो है धान की रोपाई कर रहे हैं और यही वीडियो जो है उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसके बाद कमेंट में उनको जमकर जो है ट्रोल किया जा रहा है, जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही। कई लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने कॉपी कर दिया और उसके बाद पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप सबसे पहले तो संबित पात्रा का ये वीडियो देखिए, किस तरह से वो किसानों के साथ खेतों में रोपाई कर रहे हैं, देखिए वीडियो। तो संबित पात्रा का ये वीडियो देखा आपने कि किस तरह से वो खेतों में जो है धान की रोपाई कर रहे हैं। महिलाएं वहां पर दूसरी आपको दिख रही हैं और यहाँ पर संबित पात्रा ने भी कपड़े पहन रखे हैं, जैसे किसान खेतों में काम करते हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और पूरी शिद्दत से जो है वो किसानों के साथ धान की रोपाई कर रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि वीडियो बनवाऊंगा, वीडियो पोस्ट करूंगा, जिसके बाद जो है उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग उन्हें उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर दाव जो है दोस्तों उल्टा पड़ गया। संबित पात्रा ने ये वीडियो पोस्ट किया और एक के बाद एक जो है जमकर उनको ट्रोल किया जा रहा है, जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही। कई लोग उनको नकलची बंदर कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि संबित पात्रा कॉपी करके पेस्ट करना जानते हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। आप अपने स्क्रीन पर शिवांदना का ये ट्वीट देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं कि नकल भी बढ़िया कर लेते हो यात्रा जी, अब उन किसानों के बर्तन से खाते हुए और उन किसानों को अपने घर बुलाकर अपने बर्तन से साथ बिठाकर खाना खिलाते हुए वीडियो पोस्ट कर देना 10 मिनट का, लगे रहो। तो यहाँ पर संबित पात्रा को लेकर ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने राहुल गांधी की कॉपी करते हुए किसानों के साथ जो है धान की रोपाई की, अब उन किसानों को अपने घर भी बुलाना, उनके साथ खाना खाना और उनके घर जाकर भी उनके बर्तन में खाना खाकर वीडियो पोस्ट कर देना। दूसरा ट्वीट यहाँ पर देखिए गुफरान खान का, ये लिखते हैं कि बस कुछ नहीं है, कॉपी ठीक नहीं हुआ था फिर भी पेस्ट कर दिया गया है। तो कई लोग इसे राहुल गांधी की कॉपी पेस्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी नकल भी नहीं कर पाए, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये आपने सुना होगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है और वो संबित पात्रा के पास नहीं, सोशल मीडिया पर लोग ऐसा कह रहे हैं। विनय सिंह का यहाँ पर कॉमेंट देखिए, ये लिख रहे हैं कि पार्षद तक का चुनाव हार गया ये गटर पात्रा, इस गधे को सांसद बनना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही, कोई उन्हें कुछ कह रहा है, कोई उन्हें कुछ कह रहा है, तो यहाँ पर उनको जो है लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। शिल्पा परिहार यहाँ पर लिखती है कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। तो संबित पात्रा के इस पोस्ट पर जो है सोशल मीडिया पर जमकर उनकी खिल्ली उड़ रही है, जमकर उनको ट्रोल किया जा रहा है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनको नकलची बंदर तक कहा जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये दो ट्वीट भी देख रहे हैं, संदीप गुप्ता उनको नकलची बंदर कह रहे हैं, वहीं कृष्णा मिलन शुक्ला यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रीमान पात्रा जी आप भी कहाँ राहुल गांधी की नकल करने लग गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी किसानों के बीच जाते हैं, तो ये उसके कुछ दिन बाद जो है किसानों के बीच पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी अपने घर लोगों को खाने पे बुलाते हैं,
तो ये कुछ दिन बाद फिर अपने घर लोगों को खाने पर बुलाएंगे। राहुल गांधी दूसरों से जाकर उनके घरों में मिलते हैं तो ये कुछ दिन बाद वो भी करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे कि संबित पात्रा की मुश्किलें जो है इस पोस्ट डालने के बाद और भी बढ़ गई। संबित पात्रा ने सोचा होगा कि मैं जिस तरह से किसानों के साथ खेतों में काम कर रहा हूँ ऑथेंटिक लगेगा और इससे जो है लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दाव जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। संबित पात्रा ने जो ये पोस्ट किया है उसके बाद संबित पात्रा की ही मुश्किलें सोशल मीडिया पर बढ़ गई। एक के बाद एक कुछ कॉमेंट्स मैंने आपको दिखाए, लेकिन एक के बाद एक कॉमेंट्स इसी तरह के हैं जिसमें उनको नकलची बंदर, कॉपी पेस्ट, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, वो नकल कर रहे हैं राहुल गांधी की। इस तरह के कॉमेंट्स जो हैं वो उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भरे पड़े हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि संबित पात्र आखिरकार खेतों में किसानों के साथ धान रुपाई क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेताओं को ये कहा गया है कि चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जगह पर आप लोगों से बातचीत करें और लोगों के बीच जाकर अपनी पैठ मजबूत करें। उसी सिलसिले में संबित पात्रा भी यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो है यहाँ पर किसानों के साथ खेतों में जो है वो धान की रुपाई कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर किसान तक का ये आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि संबित पात्रा ने किसानों के साथ की धान की रुपाई, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश में ली मिट्टी। नीचे ही आपको लिखा दिख जाएगा जिसमें लिखा है कि आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पूरी तरह से तैयार नजर आने लगी हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पीपली विधानसभा क्षेत्र के जेनापुर ग्राम पंचायत के गोविंदपुर गांव में धान की रोपाई कर रही महिला किसानों के साथ धान की रोपाई कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि इनको सांसद बनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से संबित पात्रा पूरी जी जान से वहां पर लगे हुए हैं कॉपी पेस्ट करने में, नकल उतारने में, लेकिन यहाँ पर संबित पात्रा की मुश्किलें जो हैं इस वीडियो के बाद और भी बढ़ गई। आगे इसमें लिखा है कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून लौट आया है और इससे किसानों के चेहरे पर खुशी भी है। किसान धान की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी किसानों के साथ खेत में धान बोते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को संबित पात्रा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। आपने वो वीडियो देखा ही है। वीडियो में संबित पात्रा किसानों के साथ पानी में खेतों में धान की बुआई करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे संबित पात्रा अमृत कलश में वहां की सभी महिलाओं से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी भी इकट्ठा करते हैं। संबित पात्रा ने अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उसमें अलग अलग कैप्शन लिखा है जिसमें संबित पात्रा जो है वो कलश में सबसे मिट्टी जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर अब ये दलितों के घर भी जाएंगे, किसानों के साथ काम भी करेंगे, किसानों के साथ खेतों में जाकर भी काम करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ये किस तरह से किसानों के लिए कानून बनाते हैं, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये तो आप देख ही चुके हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा पर, जब घोसी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं तो वहां पर मंत्री जी जो हैं बीजेपी के मंत्री जी जो हैं वो किसानों के साथ खेतों में हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन वहां का किसान जो है वो अब समझदार हो गया है और उन्हें पता है कि कौन हमारा अच्छा कर रहा है, कौन हमारा बुरा कर रहा है और कौन हमारी आय जो है वो सच में दोगुनी कर सकता है। संबित पात्रा जिस तरह से किसानों के साथ धान की रोपाई कर रहे हैं और वीडियो पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप इनके इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई संबित पात्रा राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।